हाय गाइस, सबसे पहले जय महाकाल। होप आप सभी ने इससे पहले वाला ब्लॉग जरूर देखा होगा और आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। उज्जैन महाकालेश्वर के लिए जितना फेमस है उतनी ही मान्यता यहाँ पर कुछ और प्रमुख मंदिरों की भी है, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप सभी इस ब्लॉग को पूरा देखें और घर बैठे ऐसे मंदिरों के दर्शन करें जहाँ दूर दूर से आए हुए भक्तों का तांता लगा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने महाकाल के दर्शन तो कर ही लिए हैं और अब हम जा रहे हैं उज्जैन के बाकी सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। सो यहाँ पर अगर आपको महाकाल के अलावा बाकी जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने हैं तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑटोज होते हैं और उनके पैकेज होते हैं 400, 500, 600 के बीच में, डिपेंडिंग आपको कितने मंदिर कवर करने हैं, कौन कौन से मंदिर कवर करने हैं। तो वो आपको अपने ऑटो में बिठा के सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं एंड एज अ गाइड भी वो अपने आप को रखते हैं कि आपको सारे मंदिरों के वो बताते भी जाते हैं एज अ गाइड भी एंड आपको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमने ऑटो बुक किया वो 450 रुपीज़ का बुक किया है, एक कार्ड भी हमारे पास। सो यहाँ पर ना ये इस तरीके का एक कार्ड होता है, इसमें ना सारे मंदिरों की लिस्ट होती है कि वो आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो हमारी जो आइटम है उससे ज़्यादा ही मंदिर है, उससे कम नहीं है। और ये आ गया हमारा ऑटो, हम बस इसमें जाने वाले हैं, सारे मंदिरों के दर्शन इसमें करने वाले हैं। इस ऑटो में हम अब आ गए हैं अपने पहले मंदिर और सबसे पहले हम भैया से पूछेंगे उनका नाम। भैया अपना नाम बताइए। भैया का नाम शाहरुख है। भैया सबसे पहला मंदिर हमारा कौन सा है? देखिए ये है महर्षि श्री गुरु शांतिपनि श्री आश्रम, हम सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी ने गुरु शांतिपनि जी से 126 दिन में 64 कलाओं की विद्या प्राप्त की। ओके अच्छा। हर मंदिर में बैठे नंदी जी को प्रणाम किया लेकिन आप यहाँ पे खड़े नंदी जी को। अच्छा ये वाला मंदिर इसमें खड़े हैं नंदी जी, एक लौता यही मंदिर है ना ऐसा? ओके हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। ठीक है थैंक यू भैया। चलो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने पहले मंदिर है। थैंकफुली यहाँ पे फोन अलाउड है तो हम यहाँ पे आपको अंदर का भी कुछ नज़ारा दिखा सकते हैं ताकि जो लोग, जो बुजुर्ग या जो बच्चे, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे वो भी यहाँ के दर्शन ले सके हमारी वीडियो के माध्यम से। चलिए। यह महर्षि शांतिपनि आश्रम का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट। मंदिर में अंदर जाते ही आपको साइड में 2-3 छोटी मोटी शॉपिंग की दुकानें मिल जाती हैं और ये मंगलनाथ रोड पर स्थित है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला और कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों ही जगह काफी भीड़ थी और फोन अलाउड नहीं थे। फिर और अंदर जाते ही हमें देखने को मिली श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। ये जगह बहुत ही ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत है, आर्ट का एक मास्टरपीस कह सकते हैं हम इसे। और ये सारी विद्याएं जो पिक्चराइज की गई है ये कार्व्ड है, पेंटेड नहीं है। ये वही 14 विद्याएं हैं जो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और अपने मित्र सुदामा के साथ 64 दिन की शिक्षा लेते वक्त और 64 कलाई सीखते वक्त ग्रहण की थी। यह आश्रम करीब 5,500 साल पुराना है। उज्जैन में ये जगह बहुत ही अच्छी है देखने के लिए। चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ। दूसरे मंदिर में और इसकी पूरी जानकारी ये भैया आएंगे क्योंकि ये यहाँ पे डेली आते हैं, यहाँ बसों से बैठ रहे हैं तो इनसे ज्यादा बेटर जानकारी यहाँ कोई नहीं दे सकता। जिस स्थान पर आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं ये 9 घरों में मंगल घरे का जन्म स्थान है। मंगल घरे की उत्पत्ति उज्जैन अवंतिका नगरी में इसी जगह पर हुई। यहाँ पर शिव जी का और एक अंधकासुर नाम के राक्षस का युद्ध हुआ। शिव जी उस राक्षस को मार मार कर थक गए थे तो शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था इस जगह पर धरती पर, और धरती माता के गर्भ से उसी पसीने से मंगल घरे ने आपा जन्म लिया। मंगल घरे जो है माता भूमि के पुत्र है और शिव जी के पुत्र है, इसलिए मंगल घरे की पूजा शिव रूप में होती है। आप लोग अंदर भी जाओगे ना मंगल घरे शिव रूप में विराजमान है, ये स्वरूप है बाबा महामंगल। ओके शिव पुत्र भूमि पुत्र को कहा जाता है, शिव रूप में है मंगल जी की मूर्ति, शिव में है। लेकिन हर शिव मंदिर में अपन जहाँ जाते हैं वहाँ नंदी जी को प्रणाम करते हैं। पूरे भारत में पहला शिव मंदिर है जहाँ आपको अंदर नंदी नहीं मिलेगा। अच्छा, नंदी की जगह भेड़ है, ये फोटो लगाना भेड़ पर। अच्छा। इनका वाहन भगवान मंगल का भेड़। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और भेड़ इनका वाहन होने से इनको 2 राशि अभी सौंप रही है, मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के स्वामी है मंगल। अच्छा, मेष राशि और वृक्ष राशि 2 राशियां इन्हीं की है। जो मांगलिक होते हैं ना लड़का लड़की, किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है मांगलिक पत्र का, उन लोगों की पूजा मंगल शांति की इसी मंदिर में होती है। मंगल दोष वाले तो बड़े दूर दूर से यहाँ पर पूजन करने के लिए आते हैं, उनका निवारण यहीं पर होता है क्योंकि उनको शादी वगैरह में बहुत रुकावट आती है।
कितनी डीप और कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भैया ने, और अगर हम शायद इनसे नहीं मिलते शायद हमें इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाती। थैंक यू भैया। ये जो मंदिर है ये बहुत ज्यादा मुख्य है, बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी, और ये अगर मंगल ग्रह आपका है, आपका परिवार में किसी का है, भाई बहन में कोई भी बाधा है ना, ये मंदिर उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने ये यहाँ पे डलिया लिया सिर्फ एक आशीर्वाद के लिए। ये मंगल मंदिर में हम ये बहुत छोटी सी भेंट चढ़ाने वाले हैं। और ये देखिए, जैसा कि भैया ने बताया था कि यहाँ नंदी जी की जगह मंगल ग्रह के वाहन भेंट स्थापित है। एंड ऑल्सो लुक एट द रश हियर, बिना किसी फेस्टिव डे एंड वीकेंड के चलिए जल्दी से कर लीजिए दर्शन शिव रूपी मंगल भगवान के, और फिर चलते हैं अपने अगले मंदिर काल भैरव जी के दर्शन करने। हम आए हैं यहाँ पे अपने तीसरे मंदिर में, काल भैरव मंदिर में। तो इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है, यहाँ पे सेकंड मंदिर है जो महाकाल के बाद सबसे ज्यादा फेमस है। ये द्वारपाल काल भैरव बोलते हैं इनको, ये बाबा महाकाल के सेनापति है, इनके बगैर बाबा महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। आपने राजा के दर्शन किए तो सेनापति के भी दर्शन जरूरी होते हैं। भगवान काल भैरव जैसे जैसे शराब पीते हैं वैसे वैसे अपने घर परिवार के काल कष्ट दूर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर शराब का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ के दर्शन के बाद ही आपका जो महाकाल के दर्शन है उसको पूरा माना जाता है। तो यहाँ पर ये एक शॉप्स है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो बस ये प्रसाद चढ़ा के हम यहाँ पे देख के चले जाएंगे। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मैंने इतने धागे देखे हैं, इतने धागे मैंने कहीं भी नहीं देखे, मतलब कहीं भी नहीं। भीड़ देखो यहाँ पे, कितनी ज्यादा भीड़ है, और ये तो सिर्फ हाथ गए जो हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत मंदिर हैं जो अपनी अनोखी परंपरा और रहस्यों के लिए फेमस हैं। इस मंदिर की चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित जो काल भैरव की प्रतिमा है वो मदिरा का सेवन जो करती है, वो मदिरा कहाँ जाती है ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और इस चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले मंदिर की तरफ। अब आए हम अपने आज के लास्ट मंदिर में, शक्तिपीठ में। और ये जो शक्तिपीठ है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, कि आए की जानकारी आपको भैया बताएंगे। कालिका शक्तिपीठ मंदिर है, इनको 51 शक्तिपीठ में से एक माना गया है। कालिका जी की कुलदेवी मानी जाती है। तो चलो चलते हैं, बहुत अच्छी सी शक्तिपीठ के दर्शन करने। बहुत लकी होते हैं जिनको कोई भी ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ के दर्शन करने का मौका मिलता है, और आज हमें मौका मिला तो चलो चलते हैं, हम करते हैं इसके दर्शन। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन इसकी मूर्ति सतयुग काल की है। अब हम हो गए हैं अपने सारे मंदिरों के दर्शन से फ्री, और इन महाशय का पोहे से सुबह पेट ही नहीं भरा था, इसलिए हमने दोबारा से पोहा लिया। और यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंड होगी, एकदम भीनी भीनी से, उसके लिए हमने यहाँ पे चाय, ये गरम गरम गाजर का हलवा देके हमसे तो रुका ही नहीं गया। ये शुद्ध देसी घी से निर्मित था, पहले उन्होंने हमें टेस्ट कराया, हमें अच्छा लगा, फिर हमने ले लिया। ये यार हमने सुबह नॉर्थ इंडियन खा लिया था, तो अभी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यही था कि हम डोसा खाए, हम छोले भटूरे खाए, तो हम वही खा रहे हैं। ये आ गए हमारे छोले भटूरे। और फिर निकल गए थे हम रात के 1 बजे अद्भुत भस्म आरती के लिए, जिसकी सारी डिटेल्स और एक्सपीरियंस हमने अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। जय महाकाल।